घर में कैसे बनाई मजेदार एंड स्वादिष्ट एग पुलाव रेसिपी, पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल पे लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले सबको नमस्कार, स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं बनाने जा रही हूँ एग पुलाव रेसिपी। अंडा पुलाव बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 1/2 kg बासमती चावल। चावल को धोने के लिए मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। तकरीबन 2 से 3 बार अच्छी तरह से चावल को धो लीजिएगा। अच्छी तरह से धो लेने के बाद जब इस तरह साफ लगेगा चावल, तो हम चावल को 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे पानी में डुबो के। तब तक हम रेडी करेंगे मसाला। मसाला में सबसे पहले मैं ले रही हूँ प्याज 2 कटा हुआ और 2 कटा हुआ टमाटर, और अच्छी तरह से पीस लेना है कुछ इस तरह से। मैंने पहले से एक लोहा का कढ़ाई चढ़ा के रखी थी गैस में। कढ़ाई अच्छी तरह से गर्म हो गया है। मैं ऐड कर रही हूँ 3 बड़ा चम्मच सरसों का तेल, 2 तेज़पत्ता और साबुत गरम मसाला, और बारीक कटा हुआ 3 प्याज अच्छी तरह से भून लेना है गैस का फ्लेम को मीडियम रख के। प्याज को गोल्डन ब्राउन बनाना है। अंडा को भी मैंने पहले से ही बॉयल करके रखी थी। अब इस तरह कट लगाना है अंडे को ताकि मसाला अंदर अंदर तक चला जाए। सबसे पहले मैं अंडा को मैरिनेट करने जा रही हूँ, इसीलिए सबसे पहले ये जो पिसा हुआ प्याज और टमाटर है उसे ऐड कर देना है। ये हो गया अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, 2 चम्मच ले रही हूँ मैं। ये हो गया है हल्का खट्टा दही, तकरीबन 1/2 कटोरी। 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 2 छोटा चम्मच नमक, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। ये हो गया सारा मसाला जो मैंने पहले से पीस के रखी थी। सारा मसाला ऐड कर देने के बाद अच्छी तरह से चला लेना है। और ये जो मैंने लास्ट में मसाला ऐड की हूँ, जीरा, धनिया और साबुत गरम मसाला, ये सब मसाला को मैंने घर में ही पीस के रखी हूँ, क्योंकि इस तरह पीस के रख देने से बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। और पैकेट वाला मसाला तो मैं बिल्कुल ही यूज़ नहीं करती हूँ। अब अच्छी तरह से चला देने के बाद हम इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे मैरिनेट होने के लिए। ये बहुत ही ज़रूरी है ताकि मसाला जो है वो अंडा के अंदर अंदर तक चला जाए। और ये जो प्याज मैं भून के रखी थी, ये अच्छी तरह से भून गया है। इस तरह पूरा प्याज को कुक कर देना है ताकि इससे कलर आए और हमें एक्स्ट्रा फूड कलर यूज़ करना ना पड़े। 10 मिनट के बाद ये जो अंडा को हम एक पतीला में ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि इसी में ही बनेगा पुलाव। फिर सारा जो तेल वाला प्याज है उसे ऐड कर देना है। और एक चीज़, इस अंडा करी में सिर्फ यही तेल यूज़ होगा, हम एक्स्ट्रा तेल बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। अब अच्छी तरह से चलाना है। मसाला का खुशबू बहुत ही अच्छा से आ रहा है। अब हम गैस में चढ़ा देंगे पतीला को और गैस का फ्लेम को एकदम धीमी रखेंगे और चलाते रहेंगे ताकि मसाला नीचे ना जल जाए। अब ढक्कन लगा देंगे और तकरीबन 2 मिनट के लिए हम भूनने देंगे गैस का फ्लेम को धीमी रख के। देखिए ये भून गया है। ये अच्छी तरह से भुना नहीं है, पर इसे इस तरह चलाते रहना है, क्योंकि ये स्टील का पतीला है और स्टील का पतीला में मसाला बहुत ही जल्दी जल जाता है। फिर से ढक्के में इसे 4 मिनट के लिए एकदम धीमी करके रखी थी। देखिए ये जो मसाला है वो अच्छी तरह से भून गया है। मसाला अच्छी तरह से भून गया है और अंडा के अंदर अंदर तक चला गया है मसाला।
देखिए आप देख सकते हैं ये जो घी है वो ऊपर ऊपर आ गया है, मतलब मसाला भुन गया है। चावल को भी मैंने छटनी की मदद से छान ली हूँ। चावल सॉफ्ट हुआ है कि नहीं उसे चेक करने के लिए थोड़ा सा हाथ से दबा के देखना है। ये अगर टूट रहा है तो चावल सॉफ्ट हो गया है, क्योंकि इसे पहले से ही मैंने भिगो के रखी थी, वो मैंने पहले बता दी हूँ। आप चावल को ऐड कर देना है। चावल को ऐड कर देने के बाद अच्छी तरह से चलाना है। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी एंड मज़ेदार बनने वाला है ये रेसिपी, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, क्योंकि अक्सर मैं ये रेसिपी को घर में ट्राई करती हूँ। इस तरह चला देने के बाद सिर्फ 2 मिनट के लिए गैस का फ्लेम को धीमी रख के इसे ढक के रखना है। फिर ढक्कन हटा देने के बाद हम ऐड करेंगे 3 छोटा ग्लास पानी, क्योंकि ये जो चावल है ये पहले से ही सॉफ्ट हो रखा है और अंडा भी अच्छी तरह से कुक हो गया है, इसलिए हम इसमें सिर्फ 3 छोटा ग्लास पानी ऐड करेंगे और इस तरह इसे अच्छे से चलाते रहेंगे ताकि नीचे ना लग जाए। फिर हम ऐड कर देंगे 1 बड़ा चम्मच चीनी। ये चीनी ऑप्शनल है, पर इसमें थोड़ा सा मिठास के लिए मैं ऐड कर रही हूँ। ढक्कन को लगा देंगे और तकरीबन 5 मिनट के लिए हम धीमी आंच पे कुक करेंगे। पुलाव बन के रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं मैं चला दे रही हूँ। ये चावल जो है वो बिल्कुल नहीं टूटा है और इसका जो कलर है आप देख सकते हैं। आप इसे रायता के साथ सर्व कर सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बना है। अब मैं अलग से एक बर्तन में सर्व कर रही हूँ। एक पुलाव रेसिपी बनके बिल्कुल रेडी हो गया है, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा मेरा ये रेसिपी। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अच्छा अच्छा कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेट मिले। मुझे सपोर्ट करने के लिए आप लोग मेरी रेसिपीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये वाला रेसिपी। देखिए मैंने अच्छी तरह से सर्व कर लिया है, ये बहुत ही मज़ेदार लग रहा है देखने में और खाने में भी उतना ही ज़्यादा टेस्टी बना है। मेरे इस वीडियो में आप लोग एंड तक बने रहे, इसीलिए आप सबका थैंक यू।